डाकू ही बनना सी ते मैंने वकील बनन दी की लोड़ सी असा देखो रात टुरन दी हैत कीते सा पैर नु साडी जात साबित करके शोर मचान वाली अजीम कौमां किन्नियां सिरलत विच टुटी होईयां ने तू अपनी ममतरी मसीह च खिलार के बदमाशी छकन दा वादा लिया हुण दस केड़े मजाक ते जाके शुक्राना दी नफल पढ़ लेनी। अशरफ खान एक आला और तालीम याफ्ता घराने के चश्मो चराग थे। उनके वालिद खान नवाज खान तकसीम से कबल यूफी पंजाब के ज़िला फिरोजपुर के एक नामवर बैरिस्टर थे। बैरिस्टर नवाज खान के घर 10 अगस्त 1931 को एक हसीन जमील बच्चा पैदा हुआ, जिसकी खूबसूरती को देखते हुए वालदेन ने उसका नाम यूसुफ रखा। जब वो जवान हुआ तो फिल्मी सनत में यूसुफ खान के नाम से मशहूर हुआ। इब्तदाई तालीम अपने आबाई गांव फिरोजपुर में हासिल की। यूसुफ खान की उम्र उस वक्त 16 बरस थी जब पाकिस्तान बना। आग और खून का जो फसाद पूरे पंजाब और हिंदुस्तान में हुआ, उसके दिलखराश मनाजिर खान साहब की आंखों के सामने थे। आंखों में खून की सुर्खी लिए खान साहब अपने खानदान के हमरा फिरोजपुर से लाहौर हिजरत करके आ गए। उनके वालिद को घोड़े, परिंदे और दीगर जानवर पालने का शौक था। ये शौक खान साहब को अपने वालिद से मिला था। जब वो पाकिस्तान आए तो वो तमाम कीमती परिंदे घोड़े वहाँ छोड़ दिए। खान साहब ने जिद करके कबूतर का एक जोड़ा हिजरत के वक्त अपने साथ ले लिया था। लाहौर कर्शन नगर में ये घराना आबाद हो गया। अपने वालदेन की वाहिद नरीना औलाद होने की वजह से खान साहब बड़े लाड प्यार में जवान हुए। कबूतर के एक जोड़े से सैकड़ों कबूतर अपने मकान की छत पर पालने शुरू कर दिए और उस दौर में लाहौर के चंद नामवर और बड़े कबूतरबाज मशहूर हो गए थे। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उन्हें कुदरत ने दे रखी थी। उनके वालिद नवाज खान लाहौर एट बार के एक ओहदे पर फायज हो गए थे। यूसुफ खान ने लाहौर आने के बाद अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। लाहौर की इस्लामिया हाई स्कूल से मेट्रिक की। इसी स्कूल में इन दिनों मारूफ इनकलाबी मुसन्निफ रियाज शाहिद भी ज़ेरे तालीम थे। मर्दाना वजाहत और खूबसूरती को देखकर फिल्म साजों ने उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया। अदाकार बनने से कबल वो जब कभी लक्ष्मी चौक जाते तो फिल्म के लोग उन्हें देखकर कहते, यार लड़का तो बना बनाया हीरो है। 1954 में फिल्म साज हिदायतकार इशफाक मलिक ने यूसुफ खान को देखकर ये बात कही थी और जिस पर अमल करते हुए उन्होंने अपनी फिल्म परवाज़ में अपने वक्त की सुपरस्टार सबिया खानम के मुकाबले हीरो कास्ट कर लिया था। अपनी पहली फिल्म परवाज़ से फिल्मी सफ़र का आगाज़ करने वाली यूसुफ खान ने इब्तदाई दौर में चंद और फिल्मों में बतौर हीरो और साइड हीरो अपने फ़नी सलाहियतों का इजहार बड़ी कामयाबी से किया। उनके स्कूल के दौर के दोस्त रियाज शाहिद ने जब अपनी पहली तसनीब फिल्म के लिए भरोसा के नाम से तहरीर की तो उसमें यूसुफ खान के लिए एक ज़बरदस्त किरदार लिखा, जो कि फिल्म में बेहद पसंद किया गया। ये मनफी किरदार था। ब्लॉकबस्टर की पंजाबी फिल्म जिंदगी के टाइटल रोल में हिदायतकार इकबाल कश्मीरी ने यूसुफ खान से इस कदर बेहतरीन किरदार करवाए कि यह किरदार उनके फिल्मी कैरियर का उस वक्त सबसे बड़ा और नाकाबिल फरामोश किरदार साबित हुआ। इस फिल्म में अदाकारा नबीला ने उनकी वालदा का रोल किया था। दोनों आर्टिस्ट फन की बुलंदियों पर नजर आए। जिद्दी में लाजवाब किरदार निगारी के तरह पर उन्हें साल के बेहतरीन अदाकार पंजाबी फिल्म के जमन में निगार अवार्ड दिया गया। चिट्ठिया बदमाशा, जब मेरी गैर मौजूदगी की तू बातें फतूर ना कुछ नहीं निकल की थी, जब मैं से चाकू ने तेरी अंदर आवाज कर दिया था। 1974 में रिलीज होने वाली एक्शन पंजाबी फिल्म खतरनाक में उनकी कारकर्दगी बहुत आला रही। अदाकारा नीलो ने दोबारा इस फिल्म से फिल्मी सनत ज्वाइन की थी। यूसुफ खान की हीरोइन बनकर वो एक बार फिर दोबारा हिट हो गई थी। खतरनाक वो वाहिद पंजाबी फिल्म थी जिसने कराची शहर में डायमंड जुबली मनाई थी। 100 हफ्ते चलने वाली ये अब तक की पहली और आखिरी पंजाबी फिल्म। इसका रिकॉर्ड आज तक कोई दूसरी पंजाबी फिल्म ब्रेक नहीं कर सकी।
इसी साल नुमाइश पजीर होने वाली हिदायतकार जाफर बुखारी की मुआशरती उर्दू फिल्म जवाब दो में यूसुफ खान ने बेहतरीन अदाकारी से फिल्म बीनों के दिल जीत लिए। इस फिल्म में दर्पण और जमरुद ने मरकजी किरदार किए थे, जबकि यूसुफ खान का किरदार कहानी की बुनियाद था। उर्दू फिल्मों के हवाले से अदाकार यूसुफ खान की कारकर्दगी का तजिया करें तो हिदायतकार अनवर कमाल पाशा की महबूब, हिदायतकार जमील अख्तर की खामोश रहो, हिदायतकार मुनव्वर रशीद की कास्ट्यूम फिल्म अल हिलाल, हिदायतकार हुमायूं मिर्ज़ा की दिल बेताब, रियाज शाहिद की ज़र्क़ा और गरनाता, हसन तारिक, शरीफ नैयर एहतिशाम की एक तीन लड़की, इकबाल यूसुफ की टकराव, हैदर चौधरी की एक्सीडेंट का शुमार उनके फनी कैरियर की यादगार उर्दू कामयाब फिल्मों में होता है। यूसुफ खान ने अपनी पहली फिल्म परवाज में बतौर हीरो सबीहा के मुकाबले काम किया। 1958 में हिदायतकार मुंशी दिल की रोमानी नगमाती कामयाब फिल्म हसरत में उन्होंने सबीहा के बीमार शोहर का किरदार किया था, जिसे तफ दक हो जाती है। संतोष कुमार ने इसमें हीरो का किरदार किया था जो एक डॉक्टर का किरदार था। इस कहानी को बाद में शबाब केरानवी ने इंसानियत के नाम से फिल्माई, जिसमें तारिक अजीज, जेब और वहीद मुराद ने बेतरतीब ये किरदार निभाए थे। सबिया खानम से लेकर अदाकारा सायमा तो यूसुफ खान ने तकरीबन तमाम काबिल जिक्र हीरोइंस के मुकाबल बतौर हीरो किरदार अदा किए, जिनमें शमीम आरा, नीलो, हसना, लेला, बहार, नगमा, शीरीन, फिरदौस, दीबा, आलिया, जमरुद, रुखसाना, रोजीना, सलोनी, रानी, निशो, आसिया, शबनम, मुमताज़, बाबरा शरीफ, नुसरत शाहीन, नाजली, नजमा, संगीता, नीली और साइमा के नाम बतौर हीरोइन उनकी फिल्मी फहरिस्त में शामिल है। उन्नीस से 2000 तक अदाकार यूसुफ खान सिनेमा के पर्दे पर एक फिल्मी शहजादे की तरह अपनी इज्जत और शोहरत के साथ जलवा फरोज होते रहे। वो कभी भी फिल्मी बेल चाल का शिकार न रहे, न कभी उन्होंने ज़्यादा फिल्में करने की ख्वाहिश की। जिद्दी की मलगीर कामयाबी के बाद हर फिल्म साज की ख्वाहिश होती कि उनकी फिल्म में यूसुफ खान हीरो का किरदार करे, जिसके लिए वो उन्हें मुँह मांगे मुआवजे पर कास्ट करने को तैयार थे, मगर उन्होंने कभी अपने उसूल न तोड़े। वो ऐसे अदाकार थे जो कहानी में अपने कैरेक्टर को देखते, अगर वो उन्हें पसंद आता तो वो हामी भरते, वरना खुला इनकार कर देते थे। यही वजह है कि उनकी फिल्मों की तादाद उस दौर के दीगर अदाकारों के मुकाबले में कम है। वो तादाद से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ वर्क को और कैरेक्टर को अहमियत देने वाले एक नाबे रोज़गार फनकार थे। अदाकारी के अलावा उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर अपने बेटे टीपू के नाम से एक प्रोडक्शन अदारा कायम किया। सोनी महिवाल और बुद्धिकन जैसी यादगार और कामयाब फिल्में बनाई। अदाकार अयूब खान, जिन्होंने फिल्म वारंट में अदाकार यूसुफ खान के साथ एक अहम रोल अदा किया था, वो उनके करीबी रिश्तेदार थे, बल्कि उनके बेटे की तरह थे। वो यूसुफ खान के बाद दूसरे शख्स थे जो फिल्मी सनत से वाबस्ता रहे। माफ के चेयरमैन की हैसियत से उनकी खिदमात किसी तारुफ की मोहताज नहीं। राकिमुल हरूप की पहली मुलाकात और तारुफ मारूफ सीनियर अदाकार इलियास कश्मीरी ने बिल मुशाफा इवर न्यू स्टूडियो में करवाई थी। इसके बाद फिर ये सिलसिला उनके इंतकाल तक जारी रहा। उनके साथ तवील नशस्तों में फिल्मी सनत के हवाले से बहुत सी बातें और कहानियां सुनी। 2004 में उन्हें फनी खिदमत के सिल में हुकूमत की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। फिल्मी सनत का ये खूबसूरत रोशन सितारा 20 सितंबर 2009 को इंतकाल फरमा गए।